ब्लेंडर ट्यूटोरियल की सीरीज में आपका इस्तकबाल है। ये ट्यूटोरियल नेविगेशन कैमरा व्यू के बारे में है। हम सीखेंगे कि ब्लेंडर 2.59 में कैमरा नेविगेट कैसे करें। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। ये ट्यूटोरियल देखने से हम सीख जाएंगे कि नए कैमरा व्यू के लिए कैमरे का मुकाम कैसे तब्दील करें, कैमरा व्यू को रोल, पैन, डॉली और ट्रैक कैसे करें, और फ्लाई मोड को इस्तेमाल करते हुए नया कैमरा व्यू कैसे मुंतखब करें। मैं मानकर चलता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि आपके सिस्टम पर ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करें। अगर नहीं तो बराए मेहरबानी ब्लेंडर नसब करने के लिए हमारे पहले ट्यूटोरियल्स देखें। डिफॉल्ट तौर पर जब ब्लेंडर खुलता है 3D व्यू यूजर पर्सपेक्टिव व्यू में होता है। अब कैमरा व्यू पर चलते हैं। 3D पैनल के नीचे बाएं कोने में व्यू टैब पर जाएं। मेन्यू में से कैमरा पर बायां क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए नमपैड 0 दबाएं। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी नंबर कीज नमपैड की तरह काम करनी चाहिए। नमपैड की मुशाबहत यानी इमुलेशन कैसे करें ये सीखने के लिए यूजर प्रेफरेंसेस पर ट्यूटोरियल देखें। ये कैमरा व्यू है। डॉटेड बॉक्स फ़ाल कैमरे का व्यू फील्ड है। इस डॉटेड बॉक्स के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को पेश किया जाएगा। रेंडर तर्तीबात को अगले ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा। ब्लेंडर आपके मौजूदा व्यू पॉइंट से मेल खाने के लिए फ़ाल कैमरे को मुनासिब मुकाम और मवाफिक बनाने की इजाज़त देता है। देखते हैं किस तरह। परस्पेक्टिव व्यू पर वापस जाने के लिए नमपैड 0 दबाएं। आप देखते हैं कि कैमरा व्यू से स्विच करने के लिए नमपैड 0 शॉर्टकट एक टॉगल है। माउस व्हील या MMB पकड़ कर रखें और जहां आप अपना कैमरा रखना चाहते हैं इस मुकाम पर व्यू को घुमाने के लिए माउस को हरकत दें। मैंने ये मुकाम चुन लिया है। कंट्रोल ऑल्ट और नमपैड 0 दबाएं। कैमरा नए मुकाम पर चला जाता है। 3D व्यू इसी वक्त कैमरा व्यू में बदल जाता है। ब्लेंडर आपको कैमरा पर कुछ नेविगेशनल कार्रवाइयां करने की इजाजत भी देता है, जैसे रोलिंग, पैनिंग, ट्रैकिंग वगैरह। अब हम इन्हें देखेंगे। कैमरे को मुंतखब करने के लिए डॉटेड बॉक्स पर राइट क्लिक करें। यहाँ से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह कैमरे का मुअस्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि इन कामों को करने के लिए कैमरा व्यू में होना जरूरी है। पहला एक्शन हम देखेंगे कि कैमरा व्यू रोल करना। ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए अपने कीबोर्ड पर R दबाएं। अब अपना माउस बाएं से दाएं और ऊपर और नीचे करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर ये कैमरे को इसके लोकल Z महवर में घुमाता है, यानी महवर के इर्द गिर्द, जो कैमरा व्यू के अंदर या बाहर आता है। अमल को मंसूख करने के लिए स्क्रीन पर दायां क्लिक करें या कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। ये आपको आपके पहले कैमरा व्यू पर वापस ले जाएगा। अब अगला एक्शन, हम देखेंगे कैमरा व्यू पैन करना। पैनिंग दो सिमतों में है, बाएं से दाएं या ऊपर और नीचे। ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए R दबाएं, X दो बार दबाएं। पहला X रोटेशन को ग्लोबल X महवर पर लॉक करता है। दूसरा X रोटेशन को लोकल X महवर पर लॉक करता है। हम ग्लोबल और लोकल ट्रांसफॉर्म महवर के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में तफसील से बहस करेंगे। अब माउस ऊपर और नीचे घुमाएं। कैमरा व्यू ऊपर और नीचे घूमता है। अब Y दो बार दबाएं। पहला Y रोटेशन को ग्लोबल Y महवर पर लॉक करता है। दूसरा Y रोटेशन को लोकल Y महवर पर लॉक करता है। अब माउस बाएं से दाएं घुमाएं।
कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घूमता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। अब हम कैमरा व्यू डॉली करेंगे। ऐसा करने के यहां दो तरीके हैं। पहला, कैमरा पकड़ने के लिए जी दबाएं, माउस व्हील या एमएमबी पकड़कर रखें और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएं। दूसरा तरीका है, आप इसके लोकल जेड महवर के साथ कैमरे को मुंतकल कर सकते हैं। जी दबाएं। फिर कैमरे को लोकल जेड महवर पर लॉक करने के लिए जेड दो बार दबाएं। अब माउस को ऊपर और नीचे घुमाना एक ही तरह का असर देता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। कैमरा व्यू को बाएं से दाएं या ऊपर और नीचे ट्रैक करने का मतलब है कि इसे लोकल एक्स या वाई महवर पर घुमाना। जी दबाएं, एक्स दो बार दबाएं और माउस को बाएं से दाएं घुमाएं। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में ट्रैक होता है। अब Y दो बार दबाएं और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएं। कैमरा व्यू ऊपर और नीचे ट्रैक करता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। ब्लेंडर कैमरे के लिए फ्लाई मोड भी फराहम करता है। फ्लाई मोड में जाने के लिए शिफ्ट और F दबाएं। अब आप कैमरा व्यू को तीन तरह से घुमा सकते हैं। पहला है कीबोर्ड पर शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हुए। ज़ूम इन करने के लिए कीबोर्ड पर W दबाएं। ज़ूम आउट करने के लिए S दबाएं। बाएं जाने के लिए A दबाएं दाएं जाने के लिए D दबाएं कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। दूसरा तरीका है कैमरा व्यू को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए फ्लाई मोड में माउस व्हील या स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए। फ्लाई मोड में जाने के लिए शिफ्ट और F दबाएं। ज़ूम इन करने के लिए माउस व्हील ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। शॉर्टकट के लिए नमपैड प्लस दबाएं। ज़ूम आउट करने के लिए व्हील नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। शॉर्टकट के लिए नमपैड माइनस दबाएं। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घुमाने के लिए आखिरी तरीका है फ्लाई मोड में माउस व्हील या स्क्रॉल का इस्तेमाल। फ्लाई मोड में जाने के लिए शिफ्ट और F दबाएं। D दबाएं और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घूमता है। कैमरा व्यू को बंद करने के लिए स्क्रीन पर बायां क्लिक करें। अब ये आपका नया कैमरा व्यू है। तो अब हम कैमरा व्यू नेविगेशन पर ट्यूटोरियल खत्म करते हैं। अब एक नई फाइल में कैमरा का मुकाम तब्दील करें और कैमरा व्यू, रोल, पैन, डॉली और अपना कैमरा ट्रैक करें। और नया कैमरा व्यू मुंतखब करने के लिए फ्लाई मोड का इस्तेमाल करें।
ये प्रोजेक्ट MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब हैं oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती हैं। इनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।